today I am going to start your next part from your chapter 2. Okay, page number 18. Do it yourself. Look at the picture and answer the questions. What is this boat known as a shikara? बोट को क्या बोलेंगे? शिकारा. वेयर इन इंडिया कैन वी फाइंड दिस बोट? कश्मीर. इस टाइप की बोट हमको कहाँ दिखाई देगी? कश्मीर में. वॉट इज द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस? प्रिडोमिनेंटली कोल्ड. प्रिडोमिनेंटली कोल्ड. इसको आप भाग कर करके तोड़ तोड़ के रीड करोगे तो आप अच्छे से रीड कर पाओगे. प्रिडोमी Mentally cold. Himachal Pradesh is an important state of the northern mountains region. Himachal Pradesh important state of northern mountain ka important state hai. Himachal Pradesh is a particularly famous for hill station like Shimla, Kullu, Manali and Dalhousie. Yani Himachal Pradesh mein kaun se hill station hai? Shimla, Kullu, Manali and Dalhousie. ये वहाँ के फेमस हिल स्टेशन है जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं. उत्तराखंड इन द नॉर्थन माउंटेन्स इज नोन फॉर द आर एच ओ रो डी ओ डो डी एन डेन डी आर ओ एन ड्रॉन रो डो डेन ड्रॉन फॉरेस्ट यू एन ई एस सी ओ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड हियर. यहाँ पर क्या लोकेटेड है? वैली ऑफ फ्लावर्स. कहाँ पर लोकेटेड है? इस फॉरेस्ट में. टूरिस्ट विजिट पिलग्रिमेज साइट सच एज हेमकुंड साहिब हरिद्वार बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री एंड यमुनोत्री. मेनी हिल स्टेशन लाइक रानीखेत नैनीताल एंड मसूरी आर लोकेटेड इन उत्तराखंड. उत्तराखंड में कौन से हिल स्टेशन लोकेटेड है और कौन से फेमस है? ये सारे फेमस है उत्तराखंड में. हिल स्टेशन रानीखेत नैनीताल मसूरी आर लोकेटेड इन उत्तराखंड. Bordered by Bhutan, Tibet and Nepal. Sikkim is a popular tourist destination. The red panda is found in the state. Sikkim popular tourist destination है, यानी tourist लोगों को बहुत अच्छा लगता है इस जगह जाने का. और यहाँ का कौन सा animal है? Red panda यहाँ का famous animal है. Bordered by Bhutan and Tibet and Nepal. Okay? Now page number 19. Darjeeling, a hill station in the state of West Bengal. कहाँ पर है दार्जिलिंग? वेस्ट बंगाल में. इज ऑल्सो लोकेटेड इन द नॉर्थन माउंटेन रीजन. ये सारे जितने भी हमने रीड किया आगे के पेज में वो सारे हिल स्टेशन पहाड़ी एरिया. हिल स्टेशन का मतलब ये होता है कि ये सारे पहाड़ी एरिया में होते हैं. दार्जिलिंग इज अ हिल स्टेशन इन द स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल. इज ऑल्सो लोकेटेड इन द नॉर्थन माउंटेन्स रीजन. टी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ दार्जिलिंग. दार्जिलिंग में सबसे फेमस क्या है? वहाँ की टी क्रॉप्स. वहाँ पर चाय पत्ती उगती है दार्जिलिंग में. द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट इज अरुणाचल प्रदेश. लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट साइड में सबसे बड़ा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश. इस शेयर इज इंटरनेशनल बॉर्डर विद चाइना म्यांमार भूटान. उनकी जो बॉर्डर है वो किससे शेयर हो रही है? चाइना म्यांमार और भूटान. सम ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर द तवांग तवांग मोनेस्ट्री एंड द नमदापा नेशनल पार्क. ये वहाँ के फेमस जगह है. द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय लैंड ऑफ द कासी गारो एंड जयंतिया हिल्स. ये सारे कौन से हिल्स है? काशी गारो एंड जयंतिया हिल्स. शेयर इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद बांग्लादेश. मौसिनेरम विलेज इन मेघालय इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड विद हाई एनुअल रेनफॉल. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या है? मेघालय है. और उस जगह मेघालय लैंड ऑफ द काशी की जगह है गारो एंड जयंतिया हिल्स. इनकी इंटरनेशनल बॉर्डर से शेयर हो रही है बांग्लादेश. मौसिनेरम अ विलेज इन मेघालय इज द वेटेस्ट प्लेस. यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा एनुअल रेनफॉल होता है. मणिपुर शेयर इट्स बॉर्डर विथ म्यांमार. द ब्यूटिफुल लोकटाक लेक इन मणिपुर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है मणिपुर में. क्या नाम है? ब्यूटिफुल लोकटाक. द स्टेट ऑफ नागालैंड शेयर्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर विथ म्यांमार. द नागा हिल रेंज मेक्स द टेरियन
माउंटेनियस एंड द क्लाइमेट वेट एंड कूल, यानी नागालैंड किसके साथ शेयर करता है बॉर्डर? म्यांमार के साथ। द नागा हिल रेंज मेक्स टेरेन माउंटेन्स एंड द क्लाइमेट वेट एंड कूल, यानी कि यहाँ पर गीला मीन्स बारिश भी होती है और बहुत ठंडा होता है नागा हिल रेंज में। इनकी जो हिल होती है वहाँ पर बारिश भी होती है, बहुत ठंडी जगह है। मिजोरम अ लैंड लॉक्ड स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद, ये किसके साथ इंटरनेशनल ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? बांग्लादेश एंड म्यांमार, इन लोगों की बॉर्डर इसके साथ मैच करती है, यानी उनके साथ अटैच होती है। मिजोरम हैज़ वन ऑफ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट्स इन इंडिया, मिजोरम में हाइएस्ट लिटरेसी रेट्स इन इंडिया, मिजोरम। बच्चों यहाँ तक पेज नंबर 19 तक मैं आपका ये पार्ट कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको आगे की एक्सरसाइज और आपको मैं भेजूँगी। ओके, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। ओके, द हिमालय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये सारे क्या है? हिमालयाज में, यानी पहाड़ी एरिया में है। द ग्रेट हिमालयाज आर हिमाद्री, मिडिल हिमालय को क्या बोलेंगे? हिमाचल, और आउटर को क्या बोलेंगे? शिवालिक। ओके, एक बार पूरा चैप्टर आप लोग अच्छे से समझ लो, रीड कर लो, मैं एक्सरसाइज आपको फिर सेंड कर दूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा कंप्लीट करने के लिए। ओके।